तो यही तो सब कहे ऐसे पहले वाले में स्टार्ट है ठीक। तो ऐसे पहले वाले में तो सबका जो है बताया गया कि जोनबा क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के रहन है, वो चारों प्रकार पढ़ा, ओके एग्जाम्पल पढ़ा, ओके बारे में क्या किया सीखा। तो अगला आप तो ऐसे क्या है क्रिस्टलाइन लैटिस या स्पेस लैटिस या 3D लैटिस, यही के अलग अलग नाम से क्या होता है जाना जाता है। तो यही के हिंदी नाम क्रिस्टलीय जालक या आकाशीय जालक या त्रिविमीय जालक के नाम से भी क्या होता है जाना जाता है। तो क्रिस्टलाइन लैटिस स्पेस मतलब आकाशीय जालक और 3D लैटिस मतलब त्रिविमीय जालक के नाम से जाना जाता है। तो तुम्हें बताइए कि क्रिस्टलीय जालक जितना भी होते या वास्तविक ठोस जोन कहा था वो सब जोन है वास्तविक ठोस जोन है 3D स्ट्रक्चर में का होते देखा जा सकते हैं ठीक है। 3D स्ट्रक्चर मतलब ओके हमें कम से कम 2-3 साइड का हो दिखाई दे ठीक है। जिसे क्या होता है हम अगर कोनो चीज़ देखी थे तो हमें ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं 2D में ही दिखाई देती हैं। 2D मतलब एक ही जो है ओके स्ट्रक्चर हमें क्या होता है दिखाई देता है, लेकिन 3D स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हमें कम से कम ओके 2-3 जो है फलक जो है या जो है 2-3 एरिया का होता है दिखाई देता है। जिसे एग्जाम्पल फार्म कि तुम्हें जो बा छोटा चीज़ दिखाई दिया जाए, छोटा चीज़ में जिसे माइक वाला गत्ता ही देखा तो देखत होगा कम से कम तुम्हें 3 स्ट्रक्चर दिखाई देते हुए, एक यहारी का एक इधर का और एक इधर का, 3 स्ट्रक्चर का होते हुए कम से कम दिखाई देते हुए। 3 ठीना दिखाई देते ऐसे कोनो मतलब ना आवा, लेकिन 3 स्ट्रक्चर तुम्हें कम से कम दिखाई देते। तो यही का कही जाता है 3D, यही है कुछ क्रम में का हम दिखाई तुम्हें कम से कम 3 फ्लक एक का हो दिखाई दे ठीक है, या जो है 6 फ्लक दिखाई दे, 8 फ्लक बात 8 फ्लक दिखाई दे, तो वही का कही जाता है 3D स्ट्रक्चर ठीक है। तो 3D स्ट्रक्चर में तुम्हें घुमा दिखाई दिया जाए अगर ओका पूरा तो का 3D स्ट्रक्चर माना जाता है। तो हर एक 3D स्ट्रक्चर में एक छोटे छोटे का होथिन बिंदु जालक होथिन, का होथिन बिंदु जालक होथिन अभी जोन छोटा छोटा गोला देखा था इस सब का हम जोन बा एक एक गोले का बोलब बिंदु जालक बोलब, का बोलब बिंदु जालक बोलब। इस सब गोले जो है आपस में मिल के ही जोन बा का बना होते एक 3D स्ट्रक्चर या यूनिट सेल के का करते हैं निर्माण करते हैं ठीक है। और यूनिट सेल का होता है कोनो भी 3D स्ट्रक्चर के सबसे छोटी यूनिट जोन होते हैं वही हम का कही थे यूनिट सेल कही थे ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में फिर से वही क्लास लिया, क्लास के का लिया ईट लिया, जैसे एक पूरा रूम बा तो रूम का हम 6 फलक देखा था, लेकिन अगर रूम को सबसे रूम जोन बना बा ओके भित्ती हम देखब तो भित्ती या दीवाल या जो वाल बोला था वो वाल के अगर हम सबसे छोटी यूनिट देखब तो सबसे छोटी यूनिट हमारा का रहा था ईट रहा था ठीक है। तो ईट जोन बा ओके सबसे छोटी यूनिट है तो ओका हम का इकाई सेल या यूनिट कोश क्या ओका हम का कह सकते थे बोल सकते थे। तो ये सब जो है बिंदु जालक आपस में मिल के का करे थे आपस में मिल के जोन बा एक चला थोड़ा सा क्रम एक जो है ये सब आपस में मिल के जो है क्या करते हैं एक भित्ति या दीवार का करते हैं निर्माण करते हैं। तो एक भित्ति या दीवार के जो निर्माण करते हैं तो का बोला जाता है एक यूनिट सेल या क्रिस्टलीय जालक बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं क्रिस्टलीय जालक बोल सकते हैं या स्पेस लैटिस बोल सकते हैं, 3D लैटिस भी हो जाता है बोला जाता है। तो इनके जो छोटे छोटे बिंदु जालक से मिल के यूनिट सेल बना था या इकाई कोशिका जो बोला जाता बा तो वो इकाई कोशिका के एक यहाँ से निकाला जाता बा ओके स्ट्रक्चर जो बा कुछ यह तरह से बा ठीक। अगर उसका बनाई जाए कुछ तुम्हें जो है देखने में लगे कि हाँ ये 3D स्ट्रक्चर में का होगा दिखाई देता। अब एक कम से कम तो 2 फलक 3 फलक देख ही सका था, एक फलक ऊपर वाला एक सामने वाला एक इधर वाला ठीक है, एक नीचे वाला भी जो है फलक का होगा स्पष्ट रूप से दिखाई दे, 4 फलक हम एक का कह सकते थे देख सकते 6 दिखाई दे इधर साइड के एक पीछे वाला साइड ठीक है। तो ये 3D स्ट्रक्चर है, यही का बोला जाता है यूनिट सेल बोला जाता है। एक प्रत्येक कॉर्नर पे का है एक बिंदु जालक है, का है बिंदु जालक है ठीक है। तो प्रत्येक कॉर्नर पे एक कोने पे
जो है बिंदु जालक हैं और ये सब बिंदु जालक ही मिलके का बनाए हैं, इकाई कोशिका बनाए हैं, का बनाए हैं इकाई कोशिका। ठीक है, अब इकाई कोशिका के जुनबा लंब देखा जाए, फिर से एक बिंदु जालक बनाओ, ये फिर से एक बिंदु जालक है, तो ये बिंदु जालक के जुनबा है, एक भुजा देखा जाए तो एक भुजा हम इधर से ले लेते हैं, ठीक है, एक भुजा इधर से ले लिया जात बा, एक थी ये वाला लिया जात बा, तो एक हम एक्स एक्सिस माना थे या एक्स अक्ष, एक वाई अक्ष या एक्सिस, ठीक है, एक जेड एक्सिस, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का हो थी ये जोन बा कोनो भी कह सकते हैं यूनिट सेल के का हों, ओके भुजा के लंबाई हों, जैसे ये तीनों एक दूसरे तीनों के का हों लंबोत रहा थी, का होती एक तीनों के लंबोत रहा थी, कोनो जरूरी ना है लंबोत रहा है, उन कोण बनाओ थे लेकिन बराबर ना रहा थे, एक तीनों के यनकाव रहा थी विपरीत दिशा में ही रहा थी, वो का हम बोली थे का एक्सिस यही से लिया जाता, मतलब अगर तुम्हें दिखाया जाए कि ई वाला जो बा अंगूठा ना सेट हो पाओ, ठीक, इसमें डेस्टर के माध्यम से समझे प्रयास करा कि जो बा अगर एक हम कॉर्नर पॉइंट ई वाला उठाए ही ये वाला पॉइंट, ठीक है, तो यह पॉइंट के हम तीनों भुजा अगर लेके चाहब तो एक भुजा हमारे ये साइड में बा, ठीक, एक भुजा ऊपर के साइड में बा और एक भुजा का बा ये साइड में बा, ठीक है, तो एक आधार पे जोन बाटे एक क्रिस्टलीय जालक के आधार पे यूनिट सेल के आधार पे एक जो है सात भाग में डिवाइड किया गया बा कि कोने भुजा बराबर होते हैं कोने ना हो, कोने कोण बराबर होते कोने ना बराबर होते हैं, ठीक है, तो ओका तुम्हें पूछा जाए बाद में कि यूनिट सेल के पैरामीटर का होते हैं, तो पैरामीटर आगे बताइए, पहले हम आसान चीज में का करी थे सीख ली, तो एक एक तीनों जोन बा एक दूसरे का होते लंबोत होते, ठीक है, तो ऐसे ही कोण में अभी जो है बोर्ड है, बोर्ड में तो ऐसे दिखाई ना जा सकत, ठीक है, अब जोन बा अगर स्क्रीन बोर्ड हो तो मैं कहा हो तुम्हें दिखाई दे कि हाँ एक सामने की तरफ जात बा, एक ऊपर की तरफ जात बा, एक साइड की तरफ का होत बा निकलत बा, तो एम में भी एक इधर की तरफ एक ऊपर की तरफ एक इधर की तरफ तीनों कोण एक का होते या लंब जो है का होते दिखाई देते, अब एम में जोन बा जो हमें दिखाई देत बा एम में हम चाहे जोने का जो भी मन का है हमारी इच्छा जो है मान ली कि हमारे ए है बी है का है सी है, ठीक, जो हमारी इच्छा जो का आगे हुए का हम का कैसे कित है मान सकते, किताब उताब में अक्सर जो है पहला ए ही मान लिया जाता है, तो हम भी पहला ए मान लेते कि हमारे एक्सिस वाला जो भुजा का है ए है, वाई एक्सिस वाले का हम बी मान लेते ये हमारी भुजा बी है और ये जो हमारे का है सी है, ये भुजा का नाम दिया जाता कि ए वाले हों बी वाले हों सी वाले हों, जैसे हमें बताओ पड़ा कि कौन वाला है, ठीक है, तो हम कैसे बताएं कि अरे वह वाला है, वह वाला कैसे हम बताएं, ठीक है, तो हमें यहाँ भुजा का नाम दे उठा कि जेड वाले भुजा का हम सी बोल दे थे, वाई वाले भुजा का बी बोल दे थे और एक्स वाले भुजा का ए बोल दे थे, ठीक, ये भुजा होगी, भुजा का नाम होइए, अब भुजा के नाम के साथ साथ अब एमए जोन बा इनके बीच में कोण भी कुछ बना था, का हो थी कोण बना थी, जैसे अब एकरे बीच में कुछ कोण बनत हो, एकरे बीच में कुछ कोण बनत, एक बीच में कुछ का होगा कोण बनत, अब है तो तीनों एक दूसरे का हो लंबो थे, ठीक है, तो तीनों का हो 90 अंश कोण बनाओ थे, जब लंबोत है तो 90 अंश कोण बनता है, ठीक है, लंबोत में तो यही होता ना, अरे मैं तो ऐसे पढ़े है तो जानते ना, तो लंबोत में क्या होता है, ऊपर वाला बने तो नीचे वाला तो बने हो, एक दूसरे के लंबोत है तू जान ना पाए, एक दूसरे के लंबोत है कोण पे, इस पे देखो एकरे लंबोत ये है, ठीक है, और इसके लंबोत ये वाला है, तो एक दूसरे का है लंबोत हैं, तो एक दूसरे के लंबोत हैं, तो 90 अंश कोण का हुई है बनाई है, चला 90 अंश का बनाई है तो कुछ बनाई है 120 बनाई है, ठीक, चला अब आगे जो बात जब इतना जान ला कि आगे जब आए सातों प्रकार के तो हमें बता दिया जाए कि कौन कितने अंश के कोण का होते हैं बना होते हैं, ठीक, चला यहाँ से छोड़ दा, 90 अंश हम यहाँ से हटाई देते कि 90 अंश कोण बना होते हैं, हम आज तुम्हें ये बताए देते हैं कि अगर जोन बा ए भुजा बा तो ए भुजा सामने जोन कोण बने हमार अल्फा कोण बने, का बने अल्फा कोण, बस 90 अंश हटाए दे, अब जोन बने तो उन बने, ए भुजा के सामने जोन कोण बने वो अल्फा कोण बने, बी भुजा के सामने जोन कोण बने वो का बने बीटा, और सी भुजा के सामने जोन बने वो का बने गामा, गामा कुछ ऐसे बनत है, चला जो गामा बने लैम्डा नहीं गामा, ठीक है, तो ए भुजा के सामने हमारे जोन कोण बने वो अल्फा कोण, बी भुजा के सामने जोन बने वो बीटा कोण, और सी भुजा के सामने जोन बने
गामा कोड। तो ये यूनिट सेल है और यूनिट सेल यही ओके का बोला जाता है, इकाई कोशिका बोला जाता है। ठीक है, इतना समझ में आए? नोट करे कोई, नोट कला नहीं तो आगे नोट्स तो सबका काम किया जाए, लिखाइए। चलो आगे जो भाई यूनिट सेल के प्रकार बताइए कि यूनिट सेल या इकाई कोशिका का होती, यूनिट सेल या जो का इकाई कोशिका बोला था, इकाई कोशिका। ठीक है, यूनिट सेल या इकाई कोशिका तो 3D स्ट्रक्चर या क्रिस्टलीय लैटिस के जो बात सबसे छोटी इकाई का होता है, यूनिट सेल होता है। और यूनिट सेल के संरचना देख लिया कि कैसे का होता है, बना होता है। ठीक, अब यूनिट सेल का संरचना देखा, उनमें जो कोड बना था वो कोड देखा, तो ये सब थोड़ा थोड़ा का किया सीखा। अब यूनिट सेल के प्रकार बताइए कि यूनिट सेल मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं। तो यूनिट सेल मुख्यतः जो है दो प्रकार के पढ़ाए जाते हैं, एक सिंपल मतलब सरल यूनिट सेल, सिंपल अथवा इन्हें जो है एक नाम से और जाना जाता है प्रिमिटिव। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल के नाम से जाना जाता है। नंबर सेकंड वाला इनके सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल केंद्रीय इकाई कोशिका, केंद्रीय इकाई कोशिका। अब लो ठीक है, ठीक है, झगड़ा ना करा, अभी बताया जा रहा है। तो यूनिट सेल के स्ट्रक्चर इधर देखा, यूनिट सेल के स्ट्रक्चर वहीं पीछे तो ऐसे बनाए रहा, बार बार बनाओ चला कि एकदम यूनिट सेल ही का हो जाए, दिमाग में सेट हो जाए, ये है यूनिट सेल। ठीक है, अब यही हमें प्रकार पढ़ेगा। तो यूनिट सेल का बताएगी कि सिंपल या प्रिमिटिव या सेंटर्ड हो, सेंटर यूनिट सेल या इकाई केंद्रीय कोशिका। ठीक है, तो ये में प्रिमिटिव वाले बताई यादवा, ध्यान से सुने एकदम, कि प्रिमिटिव वाले वह इकाई कोशिका होती जोने के सिर्फ कॉर्नर पे बिंदु जालक का होती पाई जाती, या परमाणु के आइटम जोन होती सिर्फ ओकरे कोने कोने पाई जाती, तो का बोला जाता है सिंपल यूनिट से। तो एक जितना यहाँ कॉर्नर बनत बा, एक कोना जितना बनत बा, ठीक है, ये पे जो बा परमाणु या आइटम जो है जुड़ा होती तो उन्हें का बोला जाता है प्रिमिटिव वाला, जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ ही फलक बने ना, जैसे डेस्टर देखा था तो ये सब, तो डेस्टर के देखा जाए तो एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ, आठ ही फलक बनता ना, तो आठ कोना एक फलक नहीं, आठ कोना बन रहा है या आठ कार्नर बन रहा, तो आठों कार्नर पे ही सिर्फ अगर परमाणु पाई गई हैं तो का कौन वाला बोल जाए, सिंपल वाला। आठों कार्नर पे पाए जाते हैं तो उन्हें का बोल जाए सिंपल यूनिट सेल। इतना समझ में आए? आगे और बताइए कि सिंपल यूनिट सेल का होता है, एक पैकिंग एफिशिएंसी का होता है, ठीक है, एक द्रव्यमान कितना निकाल जाता है, ये सब जो है एक बारे में आगे निकालेगा, ये सब जो है बताइए। तो अब हम केंद्रीय सेंटर्ड वाले यूनिट सेल पे चली थे, ठीक है, या केंद्रीय कोशिका चली थे इकाई कोशिका पे। तो केंद्रीय इकाई कोशिका का होता है कि जोने में परमाणु, ठीक है, वह इकाई कोशिका जोने पे परमाणु कोने पे या ओके कार्नर के बजाय कार्नर पे पाई जाए, ओके साथ साथ ओकरे और भी कहीं पे पाई जाए, ठीक है, तो ओकरे और कहीं पे पाई जाए तो का बोल जाता है सेंटर्ड यूनिट सेल। जैसे एक कार्नर पे पाई जाए, कार्नर के साथ साथ और एक शरीर में कहीं अगर पाई जात बा तो का बोल जाए सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, मतलब ओके कोने के साथ 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 ओकरे बॉडी पे और कहीं पाई जाए तो का बोल जाए सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब सेंटर्ड यूनिट सेल का फिर से तीन भाग में डिवाइड किया गया बा, नंबर पहला फेस सेंटर्ड बॉडी, ठीक है, फेस सेंटर्ड बॉडी लिख सका था या फेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी लिख सका था, तो इतना ही लिख लेते हैं तो बहुत बार, ठीक है, फेस सेंटर्ड का फलक केंद्रीय कोशिका बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फलक केंद्रीय कोशिका। नंबर सेकंड बॉडी, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है, और नंबर थर्ड वाला जो बा एंड सेंटर्ड,
बॉडी मतलब उकरे शरीर, शरीर का यूनिट को उसका बोला जाता है, ठीक है। और तीसरका वाला का हुआ इंड सेंटर्ड बा, ठीक है, याद कर ला मुझवानी बहुत जरूरी भाई। तो फेस सेंटर्ड वाले में का होता है, वे परमाणु जोन किसी भी यूनिट के फलक पे पाई है, फलक मतलब ओकरे जोन बा साइड जोन पाई जाते हैं, ओकरे साइड पे परमाणु पाई जाए तो ओका का बोल जाता है फेस सेंटर्ड। जैसे यूनिट हम सेल बनाएं, अभी समझ में आ जाएगा सब। ई यूनिट सेल तो हर पहला बना, यूनिट सेल के कार्नर पे तो परमाणु पाई जाई हैं, ठीक है, कार्नर पे परमाणु का होते पाई जाते हैं, आठों कार्नर पे परमाणु का भाई पाई गए। अब ओकरे साथ साथ ओकरे फलक पे भी पाई हैं, फलक मतलब ओकरे फेस पे, फेस मतलब जो हमें सामने से दिखाई दे, जैसे ये देखा था तो एक सामने से हमें जो दिखाई दे, जैसे एक ऊपर दिखाई दे एक नीचे, दो ही है, एक साइड में तीन, एक ये साइड में चार, ठीक है, एक आगे और एक पीछे, तो पाँच और छः, तो मतलब एक यूनिट सेल में हमें छः फलक का होता दिखाई दे, ठीक है। अब ये छः फलक दिखाई दे तो एक छः फलक पे परमाणु अगर पाई जात बा तो फेस सेंटर्ड है, कौन वाला है फेस सेंटर्ड, मतलब एक ऊपर वाले पाई है, एक नीचे वाले पे, एक यह साइड वाले में और एक यह साइड में, कितना है चार भाई, और एक एकदम आगे वाले पे और एक ठीक जो निकले पीछे वाला बा, ठीक है, एक आगे वाले पे एक ठीक पीछे वाले पे, वहीं तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तो एक आगे वाले पे एक पीछे वाले, तो एक छओ पे पाई जात बा, तो छओ परमाणु पाई जाते हैं तो एक बोल जात बा का फेस सेंटर्ड, एक ऊपरी सतह पे पाई जाते हैं, ठीक है, तो ऊपरी सतह पे पाई जाते हैं तो का हाँ ऊपर नीचे, ठीक है, तो ओकरे ऊपरी सतह पे जो पाई जात बा तो का बोल जाते हैं फेस सेंटर्ड, ठीक। बॉडी सेंटर्ड में का होता है, अब एम में परमाणु तो एक कार्नर पे एम में तो पाई जी हैं, एक कॉर्नर पे परमाणु तो पाई जाते हैं, ठीक है, नींद किसे लग रही है, ठीक है, तो एक कॉर्नर पे जोन है परमाणु तो पाई जाते हैं, लेकिन परमाणु जोन बा यह यूनिट सेल के बीचों बीच में पूरा पाई है, एक बीचों बीच में का हुए पूरा पाई जाए, तो बीचों बीच में अगर पूरा पाई जाते हैं, ठीक है, एक ठीक पाई जाए, एक परमाणु एक बीचों बीच में पाई जाए तो एक बोल जात का बॉडी सेंटर, मतलब अगर बॉडी के बीच में पाई जात बा तो का हो जात बा बॉडी सेंटर, ठीक है, तो एक परमाणु एक बॉडी के बीच में पाई जाए तो का बोला जाए बॉडी सेंटर, ठीक। अब एंड सेंटर्ड में का होता है, हाँ वो सब अच्छे, ठीक। अब देखो ये इंड सेंटर्ड के लिए बनाई बा तो यूँ बताई जाता कि एक कॉर्नर पे या कोने पे जोन बाटे सभी परमाणु का हो हैं पाई हैं, तो आठ कॉर्नर बा आठों पे का हो परमाणु पाई हैं, ठीक है। इंड सेंटर्ड पे का होता है एमए परमाणु पाई हैं लेकिन एकरे फलक के दो अपोजिट साइड में, ठीक है, का हुई है दुई अपोजिट साइड में, अब चाहे ऊपर नीचे ले ला, चाहे साइड साइड ले ला, चाहे आसपास वाले में ले ला, मतलब दुई अपोजिट साइड, चाहे हम ऊपर वाले और नीचे वाले पे ले ली, चाहे ये साइड के ये साइड ले ली, चाहे आगे के या पीछे के, तो दुई अपोजिट साइड में कहीं पे परमाणु पाए जाते हैं तो ओका का बोल जाता है एंड सेंटर। तो हम ऊपर नीचे वाले फिर ले लेते, एक परमाणु ऊपर वाले फ्लग पाए जाते हैं, ठीक, नीचे वाले, तो एक दूसरे के का होता अपोजिट पाए जात बा, ठीक है, तो का बोल जात का इंड सेंटर्ड। इनावा कि हम एक ठीक एप्पे वाले पे ले ली तो एक ये फलक ले ली, या एक दोनों एक के पे ले ली, तो ऐसा हमारा इंड सेंटर्ड का ना माना जाए, ठीक है। तो इंड सेंटर्ड वाले में का होता है एक ऊपर पाई जाते एक नीचे पाई जाते हैं एक दूसरे के अपोजिट साइड में, तो का बोला जात का इंड सेंटर्ड, ठीक है, इतना समझ में आए। तो इंड सेंटर्ड परमाणु एक बार फिर से देख ला, सिंपल वाले में सिर्फ ओके कॉर्नर पे पाई जाते हैं, ठीक है, सेंटर्ड वाले में ओके कॉर्नर के साथ साथ ओके फलक पे भी पाई जाते हैं फेस वाले पे, ठीक है, छह फलक पे ओकरे पाए जाते हैं तो फेस सेंटर्ड। और बॉडी सेंटर्ड में का होते हैं ओकरे बॉडी के सिर्फ बीच में पाए जाते हैं, और इंड सेंटर्ड में का होते हैं हमें जो दो परमाणु होते हैं ओकरे अपोजिट साइड दोनों का होते हैं पाए जाते हैं, तो एक का बोल जाता है इंड सेंटर, ठीक, इतना समझ में आया, ठीक, बंद करा।